हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का चैप्टर थर्ड ओल्ड इंग्लिश लाइन बाय लाइन विद हिंदी मीनिंग पढ़ाने जा रहा हूं। यह बुक बिहार बोर्ड 11th 12th के इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस में है। चैप्टर थर्ड ओल्ड इंग्लिश। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स: ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो-सैक्सन एंड एंग्लो-सेल्टिक। इंग्लिश के इतिहास में फर्स्ट पीरियड को निम्नलिखित नामों में से एक से व्यक्त किया जाता है, वे हैं ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो-सैक्सन और एंग्लो-सेल्टिक। फर्स्ट पीरियड जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, इस पीरियड का दो अन्य नाम एंग्लो-सैक्सन और एंग्लो-सेल्टिक भी है। हाउएवर, द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफन। हाउएवर, फिर भी द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर, पहले दो नाम अधिक लोकप्रिय हैं एंड यूज्ड मोर ऑफन और प्रायः अधिक उपयोग किए जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का इतिहास बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो-सैक्सन्स। एंग्लो-सैक्सन्स के आगमन से शुरू होता है, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यूरोप से मुख्य भाग ब्रिटेन तक। अंग्रेजी का इतिहास एंग्लो-सैक्सन्स के आने पर यूरोप से मुख्य भाग ब्रिटेन तक शुरू होता है। दिस पीरियड इज फ्रॉम एडी 449 टू एडी 1066। यह पीरियड 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक है। दीज टू डेट्स सिग्निफाइज टू मेजर इन्वेजन। ये दो डेट्स दो मुख्य आक्रमण को सूचित करता है, दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के दिशा को बदल दिया। ये दोनों डेट्स दो मुख्य आक्रमण को सूचित करता है, जो हिस्ट्री के दिशा को बदल दिया। द एंग्लो-सैक्सन्स वर फियर्स वॉरलाइक ट्राइब्स फ्रॉम यूरोप। एंग्लो-सैक्सन्स यूरोप के उग्र युद्ध पसंद जाति थे, एंड देयर इन्वेजन इन 449 चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड, और 449 में उन लोगों का आक्रमण सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मेनिक इंग्लैंड में बदल दिया। द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन एडी 1066 ईस्वी में नॉर्मन की विजय रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स into the vocabulary of English from Europe to mainland Britain. Europe से मुख्य भाग ब्रिटेन तक शब्दावली में बहुत संख्या में फ्रेंच वर्ड के इन्फ्यूजन का कारण हुआ। इन्फ्यूजन मीन्स इंस्टिलेशन। द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। सेल्स और आक्रमणकारियों के बीच का संबंध सही सही वर्णन करना कठिन है, बट दे सेम्ड टू हैव सेटल डाउन साइड बाय साइड इन मोर और लेस पीसफुल कंटैक्ट विद द एंग्लो-सैक्सन्स। लेकिन वे लोग एक साथ एंग्लो-सैक्सन्स के साथ लगभग शांतिपूर्ण संपर्क के साथ बसते हुए प्रतीत हुए, एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स नोन एज द एंग्लो-सैक्सन हेपार्ची, और 7 किंगडम्स का निर्माण एक साथ किया, जिसे एंग्लो-सैक्सन हेप्टार्की के रूप में जाना जाता है। हेप्टार्की मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ 7 पीपल। द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सैक्सन्स बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स इन साम्राज्यों का नेतृत्व ग्रेजुअली धीरे धीरे पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सैक्सन्स, सैक्सन्स के हाथों में चला गया, बिकॉज ऑफ के कारण देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनके बेहतर राजनीतिक समझ। इन किंगडम्स का नेतृत्व बेहतर राजनीतिक समझ के कारण धीरे धीरे सैक्सन्स के हाथों में चला गया। द सेल्टिक लैंग्वेजेस वर नॉट यूज फॉर एनी पर्पस बाय देम। सेल्टिक भाषाएं उन लोगों के द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। नीदर डिड दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस द सैक्सन्स।
और न ही ये भाषाएं सेक्शंस को प्रभावित किया. Therefore, only a handful of Celtic words exist today. इसीलिए केवल मुट्ठी भर Celtic words आज अस्तित्व में हैं. And most of them are names of places or rivers. और उनमें से कुछ स्थानों या नदियों के नाम हैं. Some of these better known are the following. बेहतर ज्ञात नामों में से कुछ निम्नलिखित हैं. Place names: Dover, Cumberland, Kent, London, York. Names of rivers: Avon, Thames, Trent, Dee, Derwent. Some traces of Britain's Celtic past are also preserved in the first syllable of the names of some towns and districts in present-day England. बीते हुए समय के ब्रिटेन के सेल्टिक लैंग्वेजेस के कुछ निशान वर्तमान समय इंग्लैंड में कुछ शहरों और जिलों के नाम के फर्स्ट सिलेबल में सुरक्षित भी रखा गया है. दीज आर ये हैं मैनचेस्टर, वुस्टर, ग्लूसेस्टर, लिचफील्ड, सैलिसबरी और एक्सेटर. अनदर क्लास ऑफ सेल्टिक वर्ड्स preserved in modern English are words connected with religion or religious activities. Modern English में सुरक्षित एक दूसरे प्रकार के Celtic words religion or religious activities से जुड़े हैं. Dialects of Old English. Old English की बोली. There is a clear line of descent. पतन का एक स्पष्ट line है. From the speech of the Anglo-Saxons to modern English, Anglo-Saxon की भाषा से modern English तक in matters of sounds, vocabulary, grammar and spelling. Sounds, शब्दावली, grammar और spelling के विषय में. Anglo-Saxons के speech से modern English तक sounds, शब्दावली, grammar और spelling के विषय में पतन का एक स्पष्ट line है. But old English was not a single uniform language. लेकिन ओल्ड इंग्लिश सिंगल एक समान भाषा नहीं था. We can distinguish four dialects in old English. हम लोग ओल्ड इंग्लिश में चार dialects इंडिकेट कर सकते हैं. They are Kentish, Northumbrian, Mercian and West Saxon. वे Kentish, Northumbrian, Mercian और West Saxon. Thus it can be said that अतः यह कहा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल. ओल्ड इंग्लिश डायलेक्टिकल था. दिस इज अंडरस्टैंडेबल. यह समझने योग्य है बिकॉज थ्री डिफरेंट एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स वर इन्वॉल्व्ड. क्योंकि तीन विभिन्न एंग्लो सैक्सन जातियां शामिल थी. एंड इट वॉज बट नेचुरल दैट ए वैरायटी इन लैंग्वेजेस एग्जिस्टेड. और यह केवल स्वाभाविक था कि लैंग्वेजेस में एक प्रकार अस्तित्व में आया. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश के कुछ विशिष्ट गुण. सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश के कुछ गुण मेक इट वेरी डिफिकल्ट. इसे बहुत कठिन बनाता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़ने और समझने में द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड. इस पीरियड के विषय वस्तु को. ओल्ड इंग्लिश के कुछ गुण इस पीरियड के विषय वस्तु को पढ़ने और समझने में बहुत कठिन बनाता है. द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट. भाषा भिन्न दिखती है बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग. अपने विचित्र स्पेलिंग के कारण अनफैमिलियर वैक्युलरी, अपरिचित शब्दावली एंड ए टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. और एक पूर्णतः भिन्न ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. भाषा अपने विचित्र स्पेलिंग, अपरिचित शब्दावली और पूर्णतः भिन्न ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के कारण भिन्न दिखती. द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विद टुडे. ओल्ड इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम बहुत भिन्न है जो हम लोग आज पाते हैं. व्हेन द एंग्लो सैक्सन्स केम टू इंग्लैंड. जब एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड आए दे यूज्ड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग. उन लोगों ने एक राइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया विच वॉज इन यूज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप.
जो यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट में उपयोग में था। प्रेजेंट डे जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया, वर्तमान में नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को जर्मनी और स्कैंडिनेविया कहते हैं। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द रनिक अल्फाबेट, यह राइटिंग सिस्टम रनिक अल्फाबेट था। द रनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स, ये रनिक कैरेक्टर्स कर्व के बिना शार्प स्ट्रेट लाइंस से बना था। मेनी ऑफ दिस लेटर्स आर फाउंड ऑन वीपन्स सच एज एरोज, एक्सेस, नाइफ हैंडल्स, सोर्स एक्सेट्रा। इन लेटरों में से अनेक हथियारों जैसे तीर, कुल्हारी, चाकू के हैंडल, तलवार इत्यादि पर पाया जा गया है। सम आर टू बी सीन इन मॉन्यूमेंट्स, कुछ को मॉन्यूमेंट्स में देखा गया है। ज्वेलरी एंड कैस्केट मेड ऑफ बोन्स, ज्वेलरी और कैस्केट मीन्स आभूषण और आभूषणों का डब्बा बोन से बना होता था। बट देयर मैसेजेस आर डिफिकल्ट टू ड्राइव, लेकिन उनका मैसेज ड्राइव करना कठिन है। एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबॉलिक, चूंकि उनमें से अधिकांश साधारणतः सिंबल के जैसा है। आफ्टर द सिक्स्थ सेंचुरी, छठी शताब्दी के बाद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट, ईसाई धर्म का फैलाव रोमन लिपि के क्रमिक उपयोग का मार्ग दिखाया। एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट, चूंकि यह लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट की राइटिंग थी। द रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सैक्सन्स, रोमन अल्फाबेट एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा ग्रहण किया गया, पास्ड थ्रू सम वेरिएशंस, कुछ परिवर्तन से गुजरा बिफोर इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट शेप इन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में अपने वर्तमान आकृति में पहुंचने से पहले। मॉडर्न इंग्लिश में वर्तमान रूप में पहुंचने से पहले एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा ग्रहण किया गया रोमन अल्फाबेट कुछ परिवर्तन से होकर गुजरा। द ओल्ड सैक्सन फॉर्म्स वर सुपरसीडेड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स, ओल्ड सैक्सन्स के रूपों को फ्रेंच कैरेक्टर्स के द्वारा अधिकार में ले लिया गया। एंड सम न्यू लेटर्स वर एडेड टू द अल्फाबेट, और कुछ नए अक्षर अल्फाबेट में जोड़े गए, सच एज क्यू डब्ल्यू जे, जैसे क्यू डब्ल्यू और जे, आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ एडी 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय के बाद। ओल्ड सैक्सन फॉर्म्स फ्रेंच कैरेक्टर्स के द्वारा अधिकार में ले लिया गया और 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय के बाद अल्फाबेट्स में कुछ न्यू लेटर्स जैसे क्यू डब्ल्यू जे को जोड़ा गया। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पर विदेशी प्रभाव। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कहानी, इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूशंस ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, विदेशी अवयवों का बार बार अनुचित हस्तक्षेप की कहानी है इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी, अंग्रेजी शब्दावली में। अंग्रेजी की कहानी इंग्लिश वोकैबुलरी में फॉरेन एलिमेंट्स का बार बार अनुचित हस्तक्षेप की कहानी। फ्रॉम द अर्लियस्ट टाइम्स, शुरुआती समय से, द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशंस, देश लगातार आक्रमण के अधीन रहा था, बाय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज द रोमन्स, फ्रेंच एंड स्कैंडिनेवियंस, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जैसे रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियंस। शुरुआती समय से देश विदेशी आक्रमणकारियों जैसे रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन के द्वारा लगातार आक्रमण के अधीन रहा था। अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेजेस, शुरू में वे लोग अपनी भाषा को लाया। बट लेटर बेस्टोड ऑन इंग्लिश अ फेयर शेयर ऑफ देयर वोकैबुलरी, लेकिन बाद में अपने वोकैबुलरी का ज्यादा भाग इंग्लिश को प्रदान किया।
In the Old English period, the two major influences were Latin and Scandinavian. Old English period में दो मुख्य प्रभाव Latin और Scandinavian का था. Latin influence on Old English. Old English पर Latin भाषा का प्रभाव. Perhaps no single language has influenced English as much as Latin. शायद कोई भी सिंगल लैंग्वेज अंग्रेजी को उतना प्रभावित नहीं किया है जितना लैटिन. वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स. एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले इंग्लैंड में लैटिन भाषा के वर्ड्स अस्तित्व में थे. इन एंशियंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज. प्राचीन समय में लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था. द लैंग्वेजेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड. कुछ यूरोपियन देशों की भाषाएं जो रोमन शासन के अधीन थी रोमनाइज्ड हो गया था. फॉर एग्जाम्पल गॉलिश बिकेम फ्रेंच. जैसे गॉलिश फ्रेंच हो गया. गॉलिश भाषा पहले सेल्टिक ट्राइब्स द्वारा बोली जाती थी. हाउएवर दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वॉज हॉल्टेड बाई द अराइवल ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स. फिर भी रोमनाइजेशन का यह प्रोसेस एंग्लो सैक्सन्स के आगमन पर रोक दिया गया एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर और रोमन साम्राज्य का अंत हो गया. Most of the borrowed words in Latin relate to the areas in which the supremacy of the Roman was recognized. That is, military, agriculture, and trade and commerce. Latin से उधार लिए गए शब्दों में अधिकांश उस क्षेत्र से जुड़े थे जिसमें रोमन लोगों की श्रेष्ठता मानी जाती थी, जैसे military, agriculture, और trade and commerce. Some examples are wall from Latin vellum, tile from Latin tecula, mile from Latin milia pessem, and many derivatives. कुछ उदाहरण wall जो Latin word vellum से बना हुआ है, tile Latin word tecula, mile Latin word milia pessem, और अनेक derivatives भी हैं. About AD 600 Christianity began to spread in England together with the rise of literacy. लगभग 600 ईस्वी में इंग्लैंड में साक्षरता के उत्थान के साथ ही ईसाई धर्म फैलने लगा. The Christian missionaries translated a large number of Latin texts and made word glosses. ईसाई धर्म प्रचारक करने वाले अनेक लैटिन टेक्स्ट को अनुवाद किया और शब्द संग्रह बनाया. मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन. ये शब्द अधिकांशतः नॉर्थम्ब्रियन में लिया गया था. मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एक्सिस्टेंस टुडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड आर रिलेटेड टू रिलीजन. लैटिन से उधार लिए गए अनेक शब्द आज भी अस्तित्व में हैं और वे रिलीजन से जुड़े हुए हैं. हीवेन स्वर्ग, हेल नरक, गॉड भगवान, गॉस्पेल इसोपदेश, ईस्टर सीन पाप, अल्टर बदल देना, अबोथ महंत, आम्स भीख, एंजेल देवदूत, मास लोग, नन सन्यासिनी, प्रेस्ट पुजारी एटसेट्रा. दूसरे वर्ड्स जो लर्निंग साइंस मेडिसिन से जुड़े हुए हैं वे हैं हिस्ट्री, ग्रामेटिकल, मास्टर, पेपर, स्कूल, वर्स, मीटर, एंकर, क्यूकम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, टाइगर इत्यादि. स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेविया का प्रभाव. द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन of English came as a result of the Scandinavian attacks on England. अंग्रेजी का दूसरा
मुख्य साहित्यिक आक्रमण इंग्लैंड पर स्कैंडिनेवियन अटैक के परिणाम के रूप में आया। देवर द जर्मेनिक इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे स्वीडन एंड डेनमार्क, वे लोग नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क के जर्मेनिक इनहैबिटेंट्स थे, हु एज वन टाइम नेवर्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इन फिफ्थ सेंचुरी यूरोप, जो एक बार पांचवी शताब्दी यूरोप में एंग्लो सैक्सन्स के पड़ोसी थे, वर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज, वे ब्लड और लैंग्वेज से उन लोगों से समीपता से जुड़े थे। दिस डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल वर कॉल्ड विकिंग्स, ये निर्भीक समुद्री लोगों को विकिंग्स कहा जाता था। विकिंग एज फ्रॉम द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, विकिंग एज 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक था। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वैक्लरी, ओल्ड इंग्लिश शब्दावली पर स्कैंडिनेवियन प्रभाव। द रिजल्ट ऑफ टू कंट्रीज ऑफ क्लोज कंटेक्ट विद द स्कैंडिनेवियंस, स्कैंडिनेवियंस के साथ दो देशों के निकट संपर्क का परिणाम हैड एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट, एक न टालने योग्य प्रभाव था ऑन द लैंग्वेजेस ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन्स की भाषाओं पर। स्कैंडिनेवियंस के साथ दो देशों के निकट संपर्क का परिणाम एंग्लो सैक्सन्स की भाषाओं पर न टालने योग्य प्रभाव था। दिस इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इमीडिएटली अपरेंट, यह प्रभाव शीघ्र स्पष्ट नहीं था, बिकॉज ऑफ द होस्टाइल रिलेशनशिप, विद्वेषी संबंध के कारण बिटवीन डेन्स एंड एंग्लो सैक्सन्स, डेन्स और एंग्लो सैक्सन्स के बीच। यह प्रभाव डेन्स और एंग्लो सैक्सन्स के बीच विद्वेषी संबंध के कारण शीघ्र स्पष्ट नहीं था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के अंत में पीसफुल कोएक्सिस्टेंस प्रिवेल्ड, शांतिपूर्ण सहयोग प्रचलित हुआ, एंड मेनी डेनिश वर्ड्स इंटरिंग इंग्लिश विच वर वेरी बेसिक इन नेचर, और अनेक डेनिश वर्ड्स अंग्रेजी में प्रवेश हुआ जो गुण में बहुत बेसिक था। दीज वर्ड्स इंटर थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन, ये शब्द प्रतिदिन के बातचीत के कारण प्रवेश हुआ। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, इन शब्दों में से कुछ है बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैप, गिव, गेट, गेस, हावर, हिट, हील, इल, किड, नाइफ, लेग, लो, मीक, मुक, ऑड, रेस, रेज, रूट, रॉटेन, स्केयर, स्कोर, सीट, सिस्टर, स्काई, स्लाई, टाइट, ट्रस्ट, वांट, वीक, विंडो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन बॉरोइंग्स आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स, स्कैंडिनेवियन बॉरोइंग्स फैमिली नेम्स और प्लेसेस में पाया गया है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। यह ध्यान देना रोचक है कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में प्रतिबंधित नहीं था। स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अदर फॉर्म्स such as pronouns and adverbs were freely borrowed. Structure words jaise prepositions or conjunctions aur anurup jaise pronouns or adverbs swatantra roop se udhar liya gaya. Three old english pronouns he, hira, him were replaced by their danish counterparts they, their, them. तीन ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस
ही हायरा हिम को डेनिश काउंटर पार्ट्स दे देयर देम से रिप्लेस किया गया था. वर्ड्स लाइक बोथ सेम अलॉफ्ट सिमली टू टिल फ्रो दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन. वर्ड्स जैसे बोथ सेम अलॉफ्ट सिमली टू टिल फ्रो दो सभी स्कैंडिनेवियन मूल के हैं. बट द मोस्ट रिमार्केबल बरेंग्स इज आर द पुलर फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोरोड वर्ड आर है जो इंग्लिश वर्ब टू बी क्या प्लुरल फॉर्म है. दस द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वैक्युलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल. अतः ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियन का प्रभाव वैक्युलरी से आगे ग्रामेटिकल सिस्टम को टच करता हुआ फैला. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश साहित्य. द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इज ऑफ टू टाइप्स. एंग्लो सैक्सन्स का लिटरेचर दो प्रकार का है. द फर्स्ट इज दैट विच वॉज अनडाउटेडली ब्रॉट बाय द जर्मेनिक ट्राइब्स. प्रथम जो निसंदेह रूप से जर्मेनिक ट्राइब्स द्वारा लाया गया था. वेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड जब उन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था. एंड इज प्रिजर्व इन द ओरल ट्रेडिशन और ओरल ट्रेडिशन में सुरक्षित रखा गया है. द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग्स poems and religious writings found in manuscripts produced when literacy came to England. Dusra, songs, poems or religious writings mein pradarshit kiya gaya hai jo hastlipi mein prastut kiya gaya tha jab saksharta England mein shuru hua. Unfortunately, durbhagyapurna roop se, only a fragment of Old English poetry has survived. Old English poetry ka keval ek part bacha hua hai. And the manuscripts are the following. Aur manuscripts nimlikhit. The Vivulf, the Junius, the Exeter book, the Verselli book. The golden period of Old English literature was the era of King Alfred. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड किंग अल्फ्रेड का युग था. मीन्स किंग अल्फ्रेड के युग को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है. ही वॉज अ स्कॉलर सोल्जर लॉ गिवर एंड रूलर. वे एक विद्वान सैनिक कानूनदाता और शासक थे. वेन ही बिकेम किंग देयर वर नॉट एनफ स्कॉलर्स टू रीड द लैटिन सर्विस बुक्स एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर. जब वे राजा बने तो लैटिन सर्विस बुक्स और अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर को पढ़ने के लिए काफ़ी विद्वान नहीं थे. किंग अल्फ्रेड ब्रॉट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड. किंग अल्फ्रेड विदेश से शिक्षकों और विद्वानों को लाया. एंड ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मेनी ऑफ द वर्क्स in Latin into West Saxon including Bede's history. और वे स्वयं अनेक रचनाओं को जिसमें बीट्स की हिस्ट्री को भी शामिल किया गया उसे लैटिन से वेस्ट सेक्शन में अनुवाद किया. द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड वॉज द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल. और अल्फ्रेड के द्वारा प्रेरित किया गया सबसे महत्वपूर्ण रचना द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल था. दिस बुक इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज. यह इंग्लिश प्रोज की पहली बुक है. एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ अ यूरोपियन नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज. और यूरोपियन नेशन की अपनी भाषा में पहली लगातार हिस्ट्री. द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश. वर्ष 1066 ईस्वी ओल्ड इंग्लिश के अंत को दर्शाता है. द नॉर्मन कंक्वेस्ट
made England into little more than a colony of France. Norman Vijay England ko France ki colony mein bana diya. French became the language of the king's court, justice, governance and education. French raja ke darbar, nyay, shasan aur shiksha ki bhasha ho gayi. The language of everyday speech among the upper class in England was French. England mein uch vargo mein pratidin baatcheet ki bhasha French thi. The Normans had no interest in developing and patronizing a language such as English. Normal logo ko English ke roop mein bhasha ko viksit karne aur संरक्षित करने में कोई रुचि नहीं था. In the absence of adequate patronage, English literary writing almost came to a standstill. पर्याप्त संरक्षता की अनुपस्थिति में English literary writing एकदम रुक गया. However, it continued to be the language of the masses. फिर भी यह लोगों की भाषा बनना जारी रहा. Over a period of time, due to close interaction and intermarriage, English began replacing French, first in the homes and later in the offices and schools. समय के साथ पारस्परिक बातचीत और अंतर शादी के कारण English French की भाषा का स्थान लेना शुरू किया. पहले घरों में और बाद में ऑफिसेस और स्कूल्स में. द चिल्ड्रेन ऑफ द नोबिलिटी स्पोक इंग्लिश एज देयर मदर टंग. कुलीन वर्ग के बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में इंग्लिश बोलते थे. एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल. और स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया जाता था. दस अतः द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड the onslaught of the French rulers. अतः English language French शासकों के भीषण आक्रमण का को जीवित रहा. Moreover, इसके अलावा England was restored to English kings within 150 years of the Norman conquest. England Norman conquest के 150 वर्षों के अंदर English kings को पुनः स्थापित किया. Now let's study the questions related to this chapter.
अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का स्टडी कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। Please subscribe my channel if you like it and hit the bell for notification. Thanks for watching this video. God bless you.